नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टिकटॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नया सिम लेते टाइम मनपसंद नंबर कैसे ले सकते हो। दोस्तों आजकल आप देखते ही होंगे कि आप सिम के जो बॉक्स होता है उस पर नंबर नहीं लिखा होता है, इसके कारण आप नया सिम लेते टाइम कोई सा भी नंबर जो दुकानदार आपको स्कैन करके देता है वो आप ले लेते हो। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब स्कैन भी होता है तब भी आप नया सिम लेते टाइम अपना मनपसंद नंबर ले सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चाहे आप एयरटेल का सिम ले रहे हो या जियो का या VI का सिम ले रहे हो, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि आप जब भी जाते हो अपना आईडी देते हो और वो एक सिम लेता है और वो स्कैन करके आपको एक नंबर दे देता है जो कि अच्छा हो या नंबर ना हो, बेकार सा नंबर हो तब भी आप ले लेते हो। तो आपको अगर चॉइस का नंबर लेना है तो क्या करना है कि जब सिम लाने जाते हो दुकान पर तो कम भीड़ हो तब जाया करो। उसके बाद जब वो सिम आपको एक्टिवेट कर रहा होता है सिम को स्कैन करके, उस टाइम उसको बोलो कि मुझे आसान नंबर चाहिए जो आप एक दोबारा स्कैन करो। चाहे आप एयरटेल का सिम ले रहे हो या जियो का सिम ले रहे हो, एक सिम को 10 बार स्कैन करेगा तो 10 तरह का नंबर आएगा, उसमें से आप कोई भी नंबर पसंद कर सकते हो जो आपको आसान लगेगा। चाहे एयरटेल का सिम ले रहे हो या जियो का सिम ले रहे हो तो भी आप ऐसे कर सकते हो। एयरटेल का भी सिम स्कैन होता है और जियो का भी होता है, तो आप ऐसे में अपना चॉइस का जो नंबर है वो ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आप तभी सिम लेना जब दुकान पर ज़्यादा भीड़ ना हो, नहीं तो दुकान पर ज़्यादा भीड़ होता है तो जो नंबर एक बार में स्कैन करने के बाद आता है वही दुकानदार आपको ज़बरदस्ती वो नंबर दे देता है और आप कहोगे कि मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छा नंबर दो, तो वो बताएगा कि यही नंबर मिलता है, एक ही बार स्कैन होता है, ऐसा कुछ बताता है वो। तो आपको अगर मनपसंद नंबर आपको चाहिए या आसान नंबर चाहिए नया सिम लेते टाइम तो आप भीड़ कम हो तब जाओ। और एक सिम को 10 बार स्कैन कर सकता है तो मान लीजिए कि आप उससे 2-3 सिम स्कैन करवाओ। अगर 2-3 सिम आप स्कैन करवाते हो तो कम से कम वो 20 बार स्कैन करेगा और आपको आपके चॉइस का नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप मनपसंद नंबर ले सकते हो। और अभी नया सिम लेते टाइम कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप अपने मनपसंद का नंबर ले सकते हो, तो ये ध्यान रखना कि आप उस टाइम पे जाना जब दुकान पे कम भीड़ हो, मोबाइल की दुकान पे जहाँ पे सिम उपलब्ध होता है वहाँ कम भीड़ हो। तो दोस्तों यही एक तरीका है जो कि आप नया सिम लेते टाइम अपने मनपसंद का मोबाइल नंबर ले सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखना कि 10 बार जब स्कैन वो दुकानदार कर देता है तो उसमें से एक अच्छा नंबर आप पसंद कर लेना, वरना वो बार बार स्कैन नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।